Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा. Like promise, कल हम लोगों ने रिव्यू किया था हेक्टर का 5-seater. आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हेक्टर का 6-seater. So, again, everything is the same. ये सेम हेक्टर है जो हमने आपको कल दिखाई थी, बट अब हम इसके आपको इंटरनल्स दिखाएंगे. तो चलिए इंटीरियर में चलते हैं. Okay, so Inspiration, experience something new. Fuel level is below 1/8 tank. Please fuel your car. So anyways, अब हम आ गए हैं Hector Plus में. Of course, this is a 6-to-7-seater car. And इसमें भी अगेन लेआउट इज द सेम, वही है. आपको टच मटेरियल मिल जाता है. एवरीथिंग इज द सेम. 14 इंच का आपको यहाँ पे मिल जाता है. Easy sunshine, 26.1 degrees, interior cab. All right. So obviously बात है, हमने गाड़ी स्टार्ट की है तो हमें अपने मैसेजेस और वेलकम मैसेजेस दे रहा है. बट एनी वेज, एम आई डी इज ऑल्सो डिजिटल हियर. देर इज नो कॉस्ट कटिंग के. ये भैया मैनुअल मॉडल है तो इसमें कॉस्ट कटिंग दी गई है बिल्कुल नहीं. जो उसमें है वो सब इसमें है. बारिंग, बिकॉज दिस इज मैनुअल, तो आपको जो आपके बटन्स है उसका थोड़ा लेआउट चेंज हो जाता है. आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का बटन मिल जाता है. वायरलेस चार्ज इसमें भी आता है. USB टाइप ए दो पोर्ट्स हैं आगे जो उसमें भी थे इन द एंड ऑफ द डे. और फिर आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए AC का बटन यहाँ दे रखा है. और आपको यहाँ पे पार्किंग, रियर पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ दे रखा है. ऑफकोर्स इसमें भी 360 डिग्री का कैमरा आता है. कप होल्डर्स आ जाते हैं. हैंड ब्रेक है यहाँ पे. और ये आपका आर्म रेस्ट है. और आर्म रेस्ट के अंदर ही आपका जिसको सिगरेट लाइटर चार्जर कहते थे या 12 वॉट का चार्जर है वो है. अगेन, इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं. जिसे जो आम रास्ता वो वाले जो हेक्टर में था उसको आप मूव कर सकते थे, इसको नहीं मूव कर सकते. ये स्टेशनरी है. बट अदर देन दैट नथिंग एल्स. सन वाइजर है इसमें जो उसमें भी था. आपको दोनों तरफ के जो बेसिकली सन शेड्स हैं उन दोनों में आपको मिरर्स मिल जाते हैं. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली द सेम कार दैट इज़ देयर. इलेक्ट्रॉनिक सीटिंग है. इलेक्ट्रॉनिक सीटिंग इसमें भी है. फ्रंट की दोनों सीट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है. अब चलो जल्दी से पीछे चल के देखते हैं कि क्या है इसमें. अब इसमें आपको ये मिल रहा है कि इसमें कैप्टन सीट्स है. ऑफकोर्स इसमें हम्प नहीं है. आपको यहाँ पे अगेन वही USB पोर्ट जो उसमें मिलता है वो यहाँ पे मिल रहा है. आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं. रीडिंग लाइट्स दोनों तरफ दे रखे हैं. और कैप्टन सीट्स है विच इज़ वेरी गुड. ये खुद से रिक्लाइन भी हो, आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं. ऑफकोर्स आप इसको स्लाइड आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं. और पीछे बैठने के पैसेंजर्स के लिए जगह है, which is very very impressive. But other than that, everything is the same. चलिए अब इसकी boot space को चेक करते हैं. So now, in the end of the day, we are in the back. Again, ये one touch है, button दबाया and boot इसका खुल गया. Ease यार, MG always wants you to have the ease, right? अब ये है passengers, rear passenger की seat से आप इसको लिटा भी सकते हैं और दोनों को लिटा सकते हैं तो वो आपको boot space भी मिल जाती है. Space है यार. Again, उतनी स्पेस नहीं है जो उसमें थी. थोड़ा जो आपको स्पेस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट हाउएवर स्पेस है इसमें. यू कैन पुट लगेजेस, मे बी छोटे छोटे सूट केसेस आ जाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे. कप होल्डर्स आपको दोनों साइड में मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए. और यहाँ पे USB चार्जर भी मिल जा रहा है पोर्ट. और आपको AC कंट्रोल वेंट्स के लिए AC के वेंट्स दो दे रखे हैं. और साथ ही में उसके बटन्स ऑन एंड ऑफ कंट्रोल, क्लाइमेट को आगे पीछे बढ़ाना, उसके पंखे की स्पीड को, वो आपको मिल जा रहा है इसमें. तो चलिए अब इसका बूट स्पेस अगर हम बंद करते हैं. अगेन इट इज ऑटोमेटिक, सो ये ऑटोमेटिक टेल गेट है, बंद होगा. विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव इज अगेन, जो उस वाली हेक्टर में आपने देखा था, ब्रेक लाइट थ्रू एंड थ्रू आउट है. स्पॉयलर है उसका, ब्रेक उसमें भी है लाइट. शार्क फिन एंटेना है. और हेक्टर प्लस की क्लियर बैजिंग, विच इज अगेन वेरी वेरी इंप्रेसिव. और साथ ही में आपको जो उसका पीछे नीचे का लेआउट था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है. विच इज़ वन थिंग इज वेरी 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 स्पेशल, जो मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने एक इमरजेंसी हाई विजिबल लाइट जो जलती नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर रोशनी डालते हैं तो वो बताता है कि कोई गाड़ी उसमें खड़ी है. तो चलिए अब आगे चलते हैं. राइट, तो जल्दी से हम इसका बोनेट खोल के देख लेते हैं कि बोनेट के अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे दिया गया. अगेन, कोई चेंज नहीं है. जो उसमें था वो इसमें है. सेम सेफ्टी, सेम स्टैंडर्ड, नो कॉस्ट कटिंग whatsoever. जनरली कंपनीज क्या करती हैं, जो वो अपने मॉडल्स को थोड़ा चेंज करती हैं या थोड़ा बहुत उसको आप डाउनग्रेड करते हैं और मैनुअल होता है,
आपके काफ़ी सेफ्टी फीचर्स या आपके बहुत सारे फीचर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन MG Hector में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन यू कैन सी द सेफ सेफ्टी स्टैंडर्ड है अक्रॉस द बोर्ड, फ्रंट इंपैक्ट में भी ये गाड़ी इंजन तक कोई इंपैक्ट नहीं पहुंचेगी। नाउ ये थी बेसिकली, हमने आपको आज इसका रिव्यू करके दे दिया इंटीरियर का। एक्सटीरियर सेम है, एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है। जो एक्सटीरियर आपको इसमें मिल रहा था वही एक्सटीरियर आपको इसमें भी मिल रहा है। देयर इज नो चेंजेस, नो कॉस्ट कटिंग, नथिंग, एवरीथिंग इज द सेम। ये एक 7-सीटर कार है और वो एक 5-सीटर कार है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ बाय।